टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। हेलो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था फर्म का समापन, जिसके अंतर्गत अब तक हमने सीखा है कि फर्म के समापन पर कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं और फर्म के समापन के समय बनाए जाने वाले खातों को हम किस प्रकार बनाएंगे। लेकिन अगर हमसे खाते ना पूछ के जनरल प्रविष्टियां पूछ ली जाए तो प्रविष्टियों को किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, आज हम प्रविष्टि से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 174 पर क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन में लिखा गया रमेश, नरेश और महेश 3:2:1 के अनुपात में लाभ का वितरण करते थे। 31 दिसंबर 2014 को अपनी फर्म के समापन का निर्णय लेते हैं। इस दिन फर्म का चिट्ठा यानी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया हुआ है, मिसेज रमेश लोन दिया हुआ है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिया हुआ है और कैपिटल दी हुई है। एसेट्स साइड में कैश इन हैंड दिया हुआ है, डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मशीन और महेश की कैपिटल एसेट साइड में होने का मीनिंग क्या हो गया सर? ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया। तो जिस प्रकार आपने खातों की शुरुआत की थी, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे जनरल प्रविष्टियों की भी शुरुआत करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संपत्ति और दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां संपत्ति पक्ष में देखिए, संपत्ति पक्ष में कैश ट्रांसफर नहीं होगा। कैश के अलावा डेटर्स, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और मशीन, ये ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन में। और कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है, इसको जनरल प्रविष्टि में अपन नहीं लेंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है इधर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। मिसेज रमेश लोन, अच्छा पार्टनर कौन है सर? पार्टनर यहां पे रमेश है, जबकि ये लोन किसका है? मिसेज रमेश का, रमेश की वाइफ का लोन है। तो पार्टनर यहां पे इंटरनल पर्सन है, जबकि पार्टनर की वाइफ का जो लोन है ये आउटसाइड लायबिलिटी है, इसको भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, देखिए मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में किस एसेट्स से रिलेटेड कोई भी रिजर्व या प्रोविजंस हो तो उनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो एसेट साइड में आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दी हुई है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे बिकॉज ये अपने एसेट्स है। और इस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का फंड जो लायबिलिटी साइड में दिया हुआ, इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। फिर दिया हुआ कैपिटल, तो ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब देखिए क्या क्या प्रविष्टियां करनी है। सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के अपन एंट्री पास करेंगे। तो एसेट में बैलेंस शीट के एसेट साइड से कौन कौन सी एसेट लेनी है सर? कैश लेना नहीं है, डेटर, ज्वाइंट टाइप पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और मशीन, ये अपनी एसेट्स लेनी है। तो यहां लिखेंगे आप डेटर्स के बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसके बाद आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, इसके बाद दिया हुआ है स्टॉक, इसके बाद दिया हुआ है मशीनरी। ये एसेट्स अपने को दी हुई है। इन एसेट की बुक वैल्यू क्या है, यानी बैलेंस शीट वैल्यू क्या है? 9000, 14000, 20000। इसकी वैल्यू है सर 9000, 9000। इसका वैल्यू दिया हुआ है अपने को 14000 और 28 और 40000। ये एसेट्स दी हुई है, इन एसेट को हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो देखिए एसेट का बैलेंस कौन सा होता है सर? एसेट ऑलवेज डेबिट होती है, इसका मीनिंग ये सारी चीजें डेबिट है। तो इन डेबिट है तो इनको डेबिट से क्या करना पड़ेगा सर? इन सब चीजों को हमें डेबिट से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी सारी चीजें तो इनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इन सब चीजों को तो हमने क्या कर दिया सर? क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसे करना है सर? रियलाइजेशन अकाउंट को इनकी जगह पे डेबिट करना है। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि एसेट को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या होती है सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट।
तो यहां पे एसेट क्रेडिट हुई और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। इनका हम क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। इनका टोटल कितना आ रहा है सर? टोटल आ रहा है यहां पे 9 + 14, 14 ये हो गया, तो 6 23 43 43 और 51 51 और 40 91,000। तो इसका टोटल आ रहा है सर 91,000 टोटल आ रहा है, यहां लिखेंगे 91,000। तो फर्स्ट एंट्री एसेट को ट्रांसफर करने के लिए होगी। इसके बाद लाइबिलिटी साइड के आइटम्स में, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर हम ट्रांसफर करेंगे, मिसेज रमेश लोन को भी ट्रांसफर करेंगे और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड को भी ट्रांसफर करेंगे। किसे किसे ट्रांसफर करना है सर? क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करना है, मिसेज रमेश लोन दिया हुआ है, मिसेज रमेश लोन दिया हुआ है इसे भी ट्रांसफर करना है, और साथ ही ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिया हुआ है क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एसेट था वो रियलाइजेशन में गया, तो इससे रिलेटेड फंड भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ये चीजें भी हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है। और ये सारी आइटम्स कहां अपीयर्ड है, कहां दिखाई हुई है सर? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाई हुई है। इसका मतलब इनका बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। लाइबिलिटीज में है मींस इनका बैलेंस क्रेडिट है, और जब इनको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट से क्या हो जाएगी सर? ये क्रेडिट से हो जाएगी डेबिट। तो इनको अब हम डेबिट कर देंगे और इनकी जगह क्रेडिट कौन हो जाएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज ये रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर हो रही है। तो ये एंट्री पास होगी किनके लिए सर? एसेट लाइबिलिटीज के लिए एंट्री पास होगी, और इनका जो अमाउंट था वो था 20,500 इसके लिए था, ₹8,000 इसके लिए था, और ₹20,000 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड का अमाउंट था। तो इस तरह ये हो गया 20 और 20 40 48,500 टोटल हो गया इसका। तो ये लाइबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। अच्छा जी, लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या क्या चीज और करनी है? देखिए, अगर इस बैलेंस शीट में कोई संचित लाभ दिए हुए हो तो उनको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करो। तो देख लेते हैं संचित लाभ कहां मिलते हैं सर? लाइबिलिटीज साइड में मिलते हैं, और लाइबिलिटी साइड में कोई संचित लाभ अपने को नहीं दिए हुए, सिर्फ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड था। ये किसी एक एसेट के रिलेशन में था इसलिए इसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, और कोई संचित लाभ यहां पे है नहीं। अब अगर कोई संचित हानि होगी तो उसे भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो संचित हानियां कहां मिलती है सर? एसेट साइड में मिलती है, तो एसेट साइड में कोई संचित हानि नहीं दी हुई। तो अब हमें क्या करना है? इन संपत्तियों का विक्रय करना है और दायित्वों का भुगतान करना है। नीचे सूचनाओं के अनुसार करेंगे। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को 15,000 में समर्पित किया, तो जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को हम समर्पित करेंगे तो फर्म को क्या मिलेगा सर? कैश मिलेगा। तो फर्म को कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया सर, और कैश डेबिट हो गया फर्म को इस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से जो अमाउंट मिल रहा है ये फर्म के लिए क्या हो गई? पहले तो एसेट बेची जाती थी, एसेट माना जाता था, जैसे ही ये चीजें रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुई तो इनका अकाउंट बंद हो गया, और अब अपने को जो भी वसूली होगी उस वसूली को हम क्या मान लेंगे? यहां पे इनकम मान लेंगे, और जो पेमेंट करेंगे उसे एक्सपेंस मान लेंगे। और जब भी कोई इनकम हो रही है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि यहां जब भी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उस टाइम पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी कि चालू व्यवसाय अवधारणा क्या हो रही है? इनवैलिड डिक्लेयर हो जा रही है, यानी व्यवसाय भविष्य में चलने वाला नहीं है। और जब व्यवसाय भविष्य में नहीं चलने वाला है तो क्या आय और क्या अपने संपत्तियों का विक्रय? संपत्तियों के विक्रय में और आय में कोई फर्क नहीं होगा जब आप फर्म का समापन कर रहे हैं, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग करता था, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम को अलग करता था। लेकिन यहां कोई कैपिटल और रेवेन्यू का झंझट ही नहीं है, सब कुछ झंझट खत्म हो गया। तो यहां जो प्राप्ति होगी वो आपकी आय होगी, जो पेमेंट करोगे वो आपका खर्चा होगा, दैट्स इट, इतना ही काम करना है। और जो भी खर्चा होगा वो सारा रियलाइजेशन डेबिट कर देंगे उससे, और जो भी इनकम होगी उसके लिए रियलाइजेशन क्रेडिट कर देंगे। तो यहां जब संपत्तियां बिक रही हैं तो संपत्तियों की विक्रय की राशि को आप आय मान के चलोगे यहां पे, तो आय होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया सर। एक नरेशन मैं लिख देता हूं, एसेट्स से रियलाइज्ड हो रहा है, एसेट्स आर रियलाइज्ड, यहां पे एसेट रियलाइज के लिए एंट्री बना रहे हैं। तो इनमें से सारी एसेट से जितना जितना रियलाइज होगा सारा अपन यहां पे पुटअप कर देंगे। तो देखिए कौन से एसेट से कितना मिल रहा है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को 15,000 में समर्पित किया, तो 15,000 तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से मिल गया सर।
फिर क्या बताया कि रमेश ने विनियोग 12,000 में ले लिए, तो ये विनियोग रमेश ने ली है, इनसे कोई वसूली नहीं हो रही है। अपनी पत्नी के ऋण के भुगतान को सहमत हुआ तो ये पत्नी के ऋण का भुगतान करेगा। नरेश ने 7,500 रुपए के स्टॉक तथा 5,000 के देनदारों को ले लिया। तो चलिए अपन आगे डिस्कस करते चल रहे, जैसे जैसे एंट्री आ रही वैसे वैसे करते चलते हैं। इसको एक बार अमाउंट का कॉलम खाली छोड़ दे रहा हूं कि यहां पे 15,000 रुपए अपने को किससे मिला है, सर जेएलपी से मिला है। आगे जो मिलेगा वो देखेंगे। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को 15,000 में समर्पित किया। रमेश ने विनियोग 17,500 रुपए में ले लिए, तो ये विनियोग थे। किसने लिए? सर ये विनियोग रमेश ने लिए। तो रमेश कौन हो गया? सर पाने वाला हो गया, और पाने वाले को हमें क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा। और इसने क्या लिया? सर विनियोग ले लिए। विनियोग तो पहले ही रियलाइजेशन में चले गए थे, तो विनियोग की जगह कौन सा अकाउंट आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। तो आपको अब से क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई पार्टनर संपत्ति ले लेता है तो उसके लिए प्रविष्टि क्या करते हैं? पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यही प्रविष्टि हमने आपको उस टाइम बताई थी जब हमने आपको इसकी जनरल एंट्रीज पे डिस्कस किया था आपके साथ। तो कितने रुपए में लिया भी विनियोग को? सर इसने लिया है 17,500 रुपए में लिया है, तो यहां लिख दिया 17,500 रुपए। नरेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रमेश। सर रमेश ने इन्वेस्टमेंट लिया तो हमने उसके लिए एंट्री पास की है। आगे इसी प्रश्न इसी पॉइंट में कहा है कि तथा अपनी पत्नी के ऋण का भुगतान करने के लिए भी सहमत हुआ। तो यहां देखिए लायबिलिटी साइड में मिसेज रमेश लोन था, इसका भुगतान कौन कर रहा है? सर इसका भुगतान कर रहा है रमेश, भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। तो यह फर्म के लिए एक दायित्व था, और जब कोई साझेदार फर्म के दायित्वों का भुगतान करेगा तो फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए इसने दायित्व ले लिए हैं। तो साझेदार कौन हो गया? सर देने वाला हो गया, फर्म की तरफ से भुगतान कर रहे तो साझेदार हो गया देने वाला, इसलिए साझेदार की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। रमेश कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे भी। डेबिट किसे करना है? सर देखो यहां पे दायित्व भुगतान हो गया, तो दायित्व भुगतान हो गया मतलब खर्चा हो गया, सिंपल सी बात होगी। दायित्व तो रियलाइजेशन में जाके अकाउंट बंद हो चुका था, यहां रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, फर्म के दायित्व का भुगतान हो चुका है इस नाते। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमें क्या कर देना है? सर डेबिट कर देना है। और इसके जो दायित्व की राशि थी रमेश लोन, मिसेज रमेश लोन की 8,000 रुपए की दायित्व की राशि थी, जिसका भुगतान रमेश करने को सहमत हो गए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ सर यहां पे, नरेश ने 7,500 में स्टॉक तब 5,000 के देनदारों को 4,000 में ले लिया। देखिए रमेश ने स्टॉक और देनदार ले लिए, स्टॉक और देनदार दोनों क्या थे सर? एसेट्स थे। जब पार्टनर ने एसेट ली है तो पार्टनर कौन हो गया? सर पाने वाला हो गया, और पाने वाला हो गया तो इसको डेबिट कर दो। किसने लिया? सर नरेश ने लिया, तो नरेश पाने वाला है, तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। और टू क्या लिया सर? डेटर्स और स्टॉक को लिया। डेटर और स्टॉक तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुके थे, अब यहां पे क्रेडिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट देखिए सर, इसने 7,500 में तो स्टॉक लिया था, प्लस 5,000 रुपए के जो देनदार थे, देनदार टोटल कितने थे? 9,000 के, 9 में से 5,000 के देनदारों को 4,000 रुपए में ले रहा है। तो जितना एग्रीड वैल्यू वही यहां पे जोड़ेंगे, 5 के देनदारों को 4 में लिया, तो 11,500 रुपए से अपन इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो देनदार कितने के गए? 5,000 के देनदार गए, अब फर्म के पास सिर्फ 4,000 के देनदार बचे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं मशीन से 50,000 रुपए वसूल हुए। तो देखिए संपत्तियों से वसूली की एंट्री कर रखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां जेएलपी से 15 मिला था, अब मशीन से कितना मिल रहा है? सर मशीन से 50,000 रुपए वसूल हो रहे हैं। इसके बाद आगे क्या कहा गया सर, शेष देनदारों को पुस्तक मूल्य का 50% ही प्राप्त हुआ, जो बाकी देनदार बचे थे उनसे हमें 50% मिला है। तो देखिए देनदार कितने के थे सर? 9,000 के, डेटर्स दिए हुए थे 9,000, इसमें से 5,000 के डेटर किसने ले लिए? सर ये तो नरेश ने ले लिए, 5,000 रुपए के डेटर्स 4 में लिए थे,
तो ये 4 में लिए इससे कोई मतलब नहीं है, फर्म के पास से तो 5 के डेटर्स गए भाई, तो रिमेनिंग डेटर्स कितने के रह गए, 4000 के डेटर्स रह गए, और इनका 50% हमें वसूल हो रहा है, तो कितने रुपए वसूल हो रहे हैं सर, 2000 रुपए वसूल हो रहे हैं, तो यहां डेटर्स से कितना वसूल हुआ सर, 2000 रुपए डेटर्स से वसूल हुआ हमें। इसके बाद आगे प्रश्न में क्या कहा, वसूली व्यय दे रखे हैं, तो वसूली व्ययों की अलग से प्रविष्टि करेंगे, तो चलिए पहले यहां पे इनका जोड़ लगा के अपन लिख देंगे यहां पे बाद में, पहले वसूली व्ययों की प्रविष्टि कर लेते हैं। तो वसूली के खर्चों का भुगतान हो रहा है, खर्चा बता रहा है ना, व्यय मतलब खर्चा हो गया भाई, और खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें क्या करना है सर, डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करना है खर्चों के लिए, तो मैंने लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया खर्चों के लिए, और क्रेडिट क्या हो जाएगा सर, खर्चों का भुगतान हो गया, कैश व्यापार से गई गई तो कैश को क्रेडिट कर दो, तो कितने रुपए की वसूली के खर्चों का भुगतान किया, 1000 के वसूली के खर्चों का भुगतान किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया सर हमने पेड, तो ये हो गई अपनी जनरल एंट्री, किसके रिलेशन में सर, रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिलेशन में, वसूली के खर्चों के संबंध में। फिर छठा पॉइंट बोला है कि 3000 रुपए मूल्य के विनियोग जिनका पुस्तकों में लेखा जोखा नहीं हुआ है उनसे यही मूल्य वसूल हुआ। अच्छा, कुछ विनियोग थे जिनका लेखा पुस्तकों में जिनको हमने दर्ज नहीं किया हुआ था, तो जिन विनियोगों को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया हुआ था उनसे 3000 वसूल हो रहे हैं, तो आप चाहो तो अलग एंट्री कर दो, या फिर इसी एंट्री में दिखा दो इन्वेस्टमेंट 3000, ये लिख दो यहां पे, वसूली तो हो ही रही है अपने को, तो 15 और 50 ये 65 और 5 70000 हो गई, तो 70000 रुपए यहां लिख दो आप, कुल वसूली हुई आपकी 70000 रुपए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से, मशीन से, डेटर से और इन्वेस्टमेंट जो लिखे हुए नहीं थे उनसे आपको वसूली होगी। इसके अलावा आपको क्या क्या दिया हुआ देखिए, बस प्रश्न अपना हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है सर, फाइनली पहला काम तो ये करना है, जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसका बैलेंस निकालना, और इसका जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो मैं यहां बैलेंस निकाल लेता हूं। देखो इधर डेबिट का आइटम लिख दूंगा, इधर क्रेडिट की लिख दे रहा हूं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 91000 रुपए, फिर यहां दिया हुआ है टू रियलाइजेशन 48500 रुपए, और फिर यहां है टू रियलाइजेशन अकाउंट 70000 रुपए, फिर यहां आया तो यहां रियलाइजेशन दिया हुआ 17500, क्रेडिट दिया हुआ तो 17500 क्रेडिट। इसके बाद अगली एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट आ रहा है 8000 रुपए, 8000 इसमें ये ऐड कर दिया। इसके बाद यहां पे रियलाइजेशन क्रेडिट आ रहा है 11500 से, फिर यहां रियलाइजेशन डेबिट आ रहा है 1000 से, तो देखिए 91 99 1,00,000 रुपए टोटल हो गया, ठीक है। अच्छा, एक एंट्री हमारी रहेगी, कौन सी रहेगी सर, जो क्रेडिटर थे इनका भुगतान नहीं किया अभी तक अपन ने, तो क्रेडिटर का भुगतान भी करना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो नॉन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड जो है नॉन कैश आइटम है, कोई भी प्रोविजन रिजर्व और फंड होते हैं वो नॉन कैश आइटम होते हैं, हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, इनका अकाउंट क्लोज हो गया, इनसे आगे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्रेडिटर को तो पेमेंट करना है, अभी तक क्रेडिटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक नोट लिखवाया था जब एंट्रीज हमने कंप्लीट की थी तब, कि अगर लायबिलिटी के रिलेशन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो लायबिलिटी का फुल पेमेंट करेंगे, और एसेट के रिलेशन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या करेंगे सर, एसेट से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है ये मान के चलेंगे। तो यहां इस क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका फुल पेमेंट करेंगे, और इसका जब पेमेंट करेंगे तो कैश बिजनेस से चला जाएगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, कितना 20500 का वैल्यू था, 20500 पर ने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करना है सर, रियलाइजेशन को डेबिट करना है, क्योंकि एक्सपेंस पेमेंट हो रहा है, पेमेंट होते टाइम रियलाइजेशन डेबिट होगा, वैसे भी लायबिलिटी जो थी क्रेडिटर जो था रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया, पेमेंट हो रहा तो रियलाइजेशन को क्रेडिट से डेबिट कर देंगे भाई। और वैसे भी आपको मालूम है कि जब भी किसी लायबिलिटीज का या एक्सपेंस का पेमेंट करते तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश ही होती है, तो रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट एंट्री होगी, क्रेडिटर्स पेड हो गई यहां पे, बीइंग क्रेडिटर्स पेड, ये नरेशन लिख दिया आपने। तो डेबिट साइड में 20500 रियलाइजेशन की ओर आ गई, तो इस तरह टोटल हो गया 120500 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, क्रेडिट का टोटल कर लो कितना आ रहा है सर, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 500 इधर आ जाएगा, फिर हो जाएगा 8 और 8 16 1 17, ये हो गया, फिर एक 5 और 7 12 12 और 2 14 147500 ही आ रहा है सर।
तो क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 147,500 आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल 120,500 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, ये बैलेंस कितना रह गया, यहां पे बैलेंस रह गया माइनस करेंगे तो 27,000 का बैलेंस रह जाएगा। और ये 27,000 कौन सा बैलेंस रहेगा सर, ये 27,000 बैलेंस रहेगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 27,000 रुपए से, तो रियलाइजेशन का क्रेडिट आ रहा है तो रियलाइजेशन को डेबिट करो और उसे पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस था तो इसको डेबिट किया, रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो गया। और ट्रांसफर करना है पार्टनर कैपिटल में, और पार्टनर के नेम क्या क्या है सर, पार्टनर है रमेश, नरेश और महेश, रमेश, नरेश और महेश, ये पार्टनर्स दिए हुए हैं। और इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 27,000 का जो बैलेंस है पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में जर सर, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 दिया हुआ है, तो इसे हम 3:2:1 में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए जरा, 27,000 को 3:2:1 में हस्तांतरित करना है, टोटल कितना हो गया सर, 6 हो गया, 6 का इसमें भाग लगाएंगे 4,500 आएगा, और 4,500 को जब 3 से गुणा करेंगे, चलिए पहले 1 से करो तो 4,500 रहेगा, 2 से करेंगे तो 9,000 आएगा, और जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर, 13,500 आएगा। तो ये रियलाइजेशन का क्या हुआ था सर, ये क्रेडिट बैलेंस था, मतलब प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट हमने पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अगर नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्या नरेशन लिखोगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नरेशन लिखेंगे आप, अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है सर, फाइनली हमें पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करना है, तो कैपिटल का बैलेंस हमें पता होना चाहिए, और कैपिटल का बैलेंस पता करने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर आपको कैपिटल ऐड करना है, क्रेडिट कितना और डेबिट कितना, बैलेंस निकाल के आपको पेमेंट कर देना है। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता कर लेता हूं, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता करने के लिए यहां से मैं इसको क्या कर रहा हूं सर, मिटा रहा हूं यहां से, देखिए कौन कौन पार्टनर है सर, पार्टनर हैं रमेश, नरेश, महेश, लिखो यहां पे रमेश, नरेश और महेश पार्टनर्स हैं। सबसे पहले क्रेडिट ऐड कर लो, फिर डेबिट ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, रमेश और नरेश की कैपिटल का, तो सबसे पहले बैलेंस कितना बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000 और 10,000, इसका रमेश का 50,000, नरेश का 10,000, जबकि महेश का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है, क्योंकि एसेट साइड में महेश की कैपिटल दी हुई है तो इसको क्रेडिट में नहीं लेंगे। इसके बाद आप देखिए एंट्रीज में, तो ऊपर की जो दो एंट्रीज थी वो उसमें तो कहीं कैपिटल था ही नहीं, जो अपन ने मिटा दी थी। यहां देखो रमेश कैपिटल डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में कितना अमाउंट आ रहा है सर, 17,500 रमेश के अकाउंट में डेबिट हो रहा है, और यहां रमेश के कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है 8,000, क्रेडिट रमेश के कैपिटल में 8,000। इसके अलावा यहां पे नरेश कैपिटल डेबिट हो रहा है 11,500, तो डेबिट में यहां लिखा 11,500 नरेश के अकाउंट में, डेबिट साइड लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड नहीं लिख रहे हैं। रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू रमेश, नरेश, महेश, यहां क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो यहां क्रेडिट में लिखेंगे कितना सर, यहां पे 13,500 इसके लिए,
और 9000 है नरेश के लिए और 4500 है महेश के लिए। तो ये इनकी कैपिटल का क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। तो क्रेडिट का जब हम टोटल करेंगे तो 71,500 का ये टोटल आ रहा है, और इधर ये आ रहा है 19,000, और इधर ये क्रेडिट आ रहा है कितना सर, ये क्रेडिट आ रहा है 4,500। और महेश की जो कैपिटल थी उसका बैलेंस था डेबिट बैलेंस 11,500 था, ये बैलेंस था 11,500। फिर अपन ने ये बाद में एसेट लाइबिलिटी टेकन ओवर की थी, वो आ गया। तो इनकी कैपिटल का ये डेबिट है और ये टोटल क्रेडिट है, ये इनका टोटल क्रेडिट है और ये टोटल डेबिट है। डेबिट ये हो गया, क्रेडिट वो हो गया। अब बैलेंस बताओ कितना क्या आ रहा है। देखिए सर, क्रेडिट था 71,500, डेबिट था 17,500, तो ऑफ कोर्स क्रेडिट बैलेंस रहेगा भाई। कितना क्रेडिट बैलेंस रह गया सर, 71,500 में से 17,500 घटा दो, तो जब हम घटाएंगे तो 11 में से और 7 घटाई तो 4 ही आ गया, और 6 में से 1 गया तो 5 ही आ गया सर। 54,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसका, किसका, रमेश का। इसी तरह आप इसका बैलेंस पता कर लो, 19,000 में से 11,500 घटाएंगे तो सर 19 में से जब 11,500 घटाए तो 7,500 का बैलेंस आ गया, लेकिन यहां भी क्रेडिट साइड ज्यादा था तो ये क्रेडिट बैलेंस रह जाएगा। फिर यहां पे टोटल कितना 4,500 है क्रेडिट और डेबिट है 11,500, तो इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस आएगा भाई। तो यहां इसका आ गया डेबिट बैलेंस, तो 11,500 में से 4,500 जब हम घटाएंगे तो 500 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 11 में 7 की तो 7,000 बच जाएगा, 11 में से 4 जाएगी तो 7 और 4 11 होते हैं, तो 7,000 ये बैलेंस रह गया। तो यहां पे महेश की कैपिटल का डेबिट बैलेंस। देखिए पीछे के जो आपने क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस में आपने क्या किया था सर, जब किसी पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा था तो हम उसको जो है डेबिट बैलेंस को रिमेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर दे रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां उस कंडीशन में पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जा रहा था भाई। यहां इस क्वेश्चन में जो महेश है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा तब तो उसकी जो डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल का उसको कौन भरपाई करेगा? रिमेनिंग पार्टनर भरपाई करेंगे। लेकिन यहां पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है तो यह खुद अपना जो डेबिट बैलेंस है कैपिटल का यह फॉर्म में लेकर आएगा, इस अमाउंट को कैश मिलाएगा। तो इसका मतलब महेश को तो 7,000 रुपए कैश लाने पड़ेंगे और इन दोनों को हमें क्या करना है, कैश पेमेंट करना है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। तो सिंपली अगर आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सिंपली आप ये ध्यान रखो कि महेश का डेबिट बैलेंस भले ही आ रहा है कैपिटल का, लेकिन ये इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है, तो कैश से बंद करोगे कैपिटल अकाउंट को। तो यहां देखो ये दोनों क्रेडिट है, तो इनको क्रेडिट से क्या कर देंगे सर, इनको हम डेबिट कर देंगे क्रेडिट से। तो जब इन दोनों को डेबिट करेंगे, कौन, रमेश और नरेश को, तो एंट्री पास करेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट से क्रेडिट से डेबिट किया? 54,000 रुपए से। और ये नरेश को भी क्रेडिट से डेबिट कर देना, इसका अकाउंट बंद होगा। नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है सर? 7,500 इसका अमाउंट हो जाएगा। और इन दोनों को कैश से कैपिटल अकाउंट को बंद करना है, तो इन दोनों को अपन कैश पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितना कैश पेमेंट करना पड़ेगा? 54,660 61,500 का पेमेंट करना पड़ेगा सर। दूसरी तरफ यहां इसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब उसको कैश लाना पड़ेगा 7,000। अगर यहां पे एम इंसॉल्वेंट हो जाता तो इसके डेबिट बैलेंस को भरपाई कौन करता? आरएन करते, लेकिन ये इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है इसलिए अपने डेबिट बैलेंस को खुद लेकर आएगा। तो इसकी कैपिटल क्या थी? डेबिट थी। डेबिट से हम क्रेडिट करेंगे तो टू महेश कैपिटल अकाउंट। इसको हमने क्रेडिट किया और कैपिटल अकाउंट को कैश से बंद करना है, मतलब इसको कैश लेके आना है, तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे सर, यहां पे डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से सर? 7,000 का डिफरेंस आ रहा था, 7,000 से इसको बंद कर देंगे।
तो ये आपका कैपिटल का फाइनल पेमेंट हो गया। अब इस क्वेश्चन का अगर आप कैश अकाउंट बनाओगे तो कैश अकाउंट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, इसका मीनिंग होगा कि आपका क्वेश्चन सही था। तो ये था आपका फर्म का समापन, जो जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल किया है। एक प्रश्न किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा था, तो वो प्रश्न भी हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या था, इसको मिटा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो प्रश्न जो हमसे पूछा गया था वो क्या था कि सर यहां पे एक फर्म में ए और बी साझेदार हैं, इनकी पूंजी का जो क्रेडिट बैलेंस था, कैपिटल जो इनका दिया हुआ था, प्रारंभिक कैपिटल वो दिया हुआ था 50,000 और 60,000 इनकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था। और इसी के साथ प्रश्न में कहा गया था कि इस वर्ष के दौरान ये ए बी साझेदार थे, इनकी कैपिटल 50,000 और 60,000 थी, और वर्ष के दौरान इनके जो आहरण थे, ड्रॉइंग्स, इन्होंने ड्रॉइंग्स किए थे, इसका ड्रॉइंग था ए का 20,000 और इसके लिए ड्रॉइंग था 50,000, ये इनके ड्रॉइंग्स थे। और फिर आगे प्रश्न में बताया गया कि वसूली की जो हानि थी, वसूली की जो हानि इनके हिस्से में आ रही थी वो थी 15,000 और 15,000 प्रत्येक की वसूली की हानि थी, क्योंकि इनके बीच जो लाभ विभाजन अनुपात था वो समान था। और बी दिवालिया हो गया, बी दिवालिया हो गया, बी पे दिवालिया हो गया था। तो इस संबंध में आपको प्रविष्टि पूछी थी, यदि बी से कुछ भी वसूल ना हुआ हो, कुछ भी वसूल ना हुआ हो, कुछ भी वसूल बी से अगर नहीं हुआ हो तो आवश्यक तो बी की हानि, बी की हानि के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि दीजिए। तो देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या बताया था, ए और बी साझेदार हैं, ड्रॉइंग्स 20,000 और 50,000 था, वसूली की हानि जो भी थी वो 15,000 दोनों के हिस्से में आई थी, बी दिवालिया हो गया, बी से कुछ भी वसूल नहीं हुआ। तो देखो बी के हिस्से में हानि आ रही है कि नहीं आ रही, तो सबसे पहले आपको ये करना है बी की जो हानि होगी, बी के पूंजी खाते का डेबिट शेष कितना होगा। तो बी की जो पूंजी है, बी की पूंजी, इसका दिया हुआ है हमें क्रेडिट शेष दिया हुआ है, क्रेडिट कितना बैलेंस है सर, 60,000 क्रेडिट है इसकी पूंजी, जबकि ड्रॉइंग्स जो है इसकी पूंजी में से कम हो जाएंगे, तो आहरण इस पूंजी में से घटा दिए जाएंगे, तो लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स। तो पूंजी में से जब मैंने आहरण इसके 40,000 घटाए तो मुझे क्या मिला सर, 20,000 रुपए इसकी पूंजी बच गई। इसके बाद पूंजी खाते का क्रेडिट शेष रह गया था 20,000 और वसूली की हानि इसके हिस्से में कितनी आ गई, 50,000 के थे अपने, इसका आहरण जो था 50,000 दिया हुआ है, तो 50,000 जब मैंने इसमें से घटाया और फिर उसके वसूली की हानि भी हमें इसमें से पूंजी में से चार्ज करनी है, तो इसकी वसूली की हानि वो मैंने यहां से चार्ज की, तो यहां देखो 50,000 गया तो 10,000 रह गया था, 15,000 जब चार्ज की तो माइनस में 5,000 इसकी कैपिटल चली गई, मतलब ये पूंजी खाते का डेबिट शेष रह गया, यानी कि डेबिट शेष रह गया। तुम क्या कहेंगे सर, ये तो पूंजी की कमी हो गई, पूंजी की कमी। अब इस पूंजी की कमी के 5,000 रुपए की भरपाई कौन करेगा सर, ये भरपाई करेगा साहूकार साझेदार। कौन है साहूकार साझेदार, ए साहूकार साझेदार,
देख लो पहले ए के पूंजी खाते का शेष क्या है, 50 में से 20 माइनस किया और 15 माइनस किया, 35,000 माइनस हो गया, तो कितना 15,000 इसके पूंजी खाते का शेष रह गया यहाँ पे, तो 5,000 की इसकी पूंजी की कमी को ये वहन करेगा। तो जब इसकी पूंजी की कमी को वहन कर रहा है, किसकी पूंजी की कमी को, बी की पूंजी की कमी को, तो बी की पूंजी की कमी होने का मतलब इसके पूंजी खाते का कौन सा शेष हो गया, डेबिट शेष हो गया, तो इसके अकाउंट को बंद करना है, डेबिट शेष को तो कर देंगे क्रेडिट टू बीज कैपिटल, इसके लॉस का अकाउंट बंद हो गया सर, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से, और इसको वहन कौन करेगा सर, ए वहन करेगा, तो ए की पूंजी कम हो जाएगी, तो पूंजी को डेबिट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसके साझेदार की हानि को वहन करने की प्रविष्टि होती है सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल। तो सॉल्वेंट कौन था, ए, इंसॉल्वेंट कौन हो गया था, बी, तो बी को हमने क्रेडिट किया, ए को डेबिट किया, एंट्री हमारी पास होगी 5,000 रुपए से। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कंफ्यूजनल पॉइंट का रह गया था कि सिर्फ अपने को एक एंट्री पूछी थी जो इसकी हानि के संबंध में थी। हो सकता है ऐसा प्रश्न आपके या तो एक में या फिर दो मार्क्स में आ सकता है, दो में इसलिए आ सकता है क्योंकि कुछ कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो ये था आपका फर्म का समापन, फर्म के समापन से संबंधित विभिन्न प्रश्न हमने यहाँ पे हल किए थे। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के सामने हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतरीन संस्थान है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ केवल सपने नहीं दिखाता अपितु उनको साकार करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। इसके लिए हमारे विद्यालय से जुड़ा हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ आज स्टेट मैरिट का पर्याय बन गई है। स्टेट मैरिट का यह सुनहरा स्वप्न हमने 31 बार साकार किया है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी हर रुचि पर ध्यान दिया जाता है। हमारे संस्थान में अथक मेहनत, बेहतर सुविधाएं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक टीम के साथ होनहारों को तैयार किया जाता है। एडवांस टीचिंग टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, स्टडी पैटर्न, अत्याधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से युक्त गर्ल्स और बॉयज के लिए पृथक पृथक हॉस्टल, इंडोर आउटडोर गेम्स, आधुनिक प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान देती है। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़।